हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश कर दिया था और आज के लेक्चर में गाइस मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा लिमिट्स का और हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, राइट। एंड मैंने लगभग सारा का टॉपिक इसमें कर दिया कवर। ओके, सो चलो एल इज इक्वल टू लिमिट्स, अभी हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे समझने वाली बात है, कई लोगों को समझता नहीं है सर इसको कैसे करें, तो उसके लिए घबराओ मत, मैं हूं, मैं समझाऊंगा आपको। डिवाइड बाय लॉग ऑफ 1 + 4x, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो पहला वाला क्या आपका a^3x, मतलब a^2x के जैसा है, b^2x ये भी आपका a^2x के जैसा ही है। अगर इन लिमिट्स में a^2x दिखाई देता है मतलब कांस्टेंट रेस टू एक्स, तो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों आपका, ए रेस टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स। और आपने ऐसे क्वेश्चन बार बार किया, याद है ना, माइनस वन प्लस वन, उसके बाद डिनोमिनेटर में देखेंगे तो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, राइट। तो चलो पहले न्यूमरेटर में प्लस वन माइनस वन लाते हैं, फिर आगे कुछ सोचते हैं कि और क्या कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सोचोगे तो हमेशा क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। ए रेस टू 3x माइनस वन, फिर प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इट इज माइनस बी रेस टू 2x प्लस वन। सो मैंने यहां पे क्या किया, माइनस वन प्लस वन कर दिया, होल डिवाइड बाय लॉग ऑफ 1 + 4x। अब आप क्या करोगे, जैसे कि आप करते आए हो, क्या कॉमन ले लोगे, राइट। तो क्या मुझे मिलेगा, l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट के अंदर कॉपी किया हमने a रेस टू 3x बच्चों माइनस वन, देखा आपने। उसके बाद माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये बी रेस टू 2x जाएगा माइनस प्लस, और ये प्लस वन हो जाएगा माइनस वन, होल डिवाइड बाय लॉग ऑफ 1 + 4x। अब सवाल उठता है कि सर अब क्या हुआ, तो ए रेस टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाय क्या होना चाहिए x, बी रेस टू 2x माइनस वन डिवाइड बाय क्या होना चाहिए x, लॉग ऑफ 1 + x डिवाइड बाय क्या होना चाहिए x, मतलब न्यूमरेटर में जो दोनों बंधे हैं उसके नीचे भी x होना चाहिए और डिनोमिनेटर के नीचे भी x होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, क्योंकि सबके नीचे x की जरूरत है, और आपको यह भी पता है कि जिससे आप डिवाइड करते हो कभी भी वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसका रीजन देना पड़ता है। कहां से रीजन देंगे, यहां से। तो हम क्या बोलेंगे, x टेंड्स टू 0, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी बोलो फटाफट, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू। सो गाइस जैसे आप डिवाइड करके बोलो क्या मिलेगा, a रेस टू 3x माइनस 1 डिवाइड बाय, होल डिवाइड बाय करता हूं मैं पहले, राइट। सो माइनस b रेस टू 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस, लॉग लिखना भूल गया, एक मिनट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 1 + 4x डिवाइडेड बाय x, देखा आपने। सो हमने यहां पे डिवाइड कर दिया, अब डिवाइड करने के बाद हम लोग ऊपर वाले को स्प्लिट करते हैं, क्योंकि दो लोगों के नीचे रखना है डिनोमिनेटर x ना में, इसके लिए। तो पहला वाला जो वैल्यू है बोलो क्या मिलेगा मुझे, a रेज टू 3x माइनस 1 डिवाइड बाय x, ठीक है, यस। देन माइनस बच्चों क्या मिलेगा मुझे, b रेज टू 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x होल डिवाइड बाय 1 + 4x, और उसके पहले क्या आएगा, log होल डिवाइड बाय x, देखा। अब समझने वाली बात है, क्योंकि अगर ये 3 रेज टू एक्स है तो यहां पे 3x होना चाहिए बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू 3x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस b रेज टू 3x, मैं सेम ही कॉपी कर रहा हूं, ओके, यस, b रेज टू 2x डिवाइड बाय x होल डिवाइड बाय log ऑफ 1 + 4x डिवाइड बाय x, परफेक्ट। सो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दो, अगर ये 3x है तो यहां पे 3x होना चाहिए, उस हिसाब से नीचे 3 से मल्टीप्लाई, साइड में 3 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर ये आपका 2x है तो यहां भी 2x होना चाहिए, इसलिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, बराबर, सही जा रहा हूं ना। सिमिलरली अगर यहां पे 4x है तो यहां पे भी 4x, 1 + 4x डिवाइड बाय x,
जो वैल्यू होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, समझे? अब ये क्वेश्चन बना, कोई लोग डायरेक्टली करते तो रॉन्ग हो जाता है, सो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, उसके लिए ध्यान दो। चलो लिमिट ले लो 3 एज इट इज, दिस इज लॉग ए माइनस 2 एज इट इज लॉग बी, क्योंकि बन गया फॉर्मूला ए रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या होता है लॉग ए, बी रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग बी, ओके डिवाइड बाय 4 कॉपी किया। तो स्टूडेंट्स मुझे जरा बताओ आप लोग, log of 1 plus x upon x, 1 plus x raised to x क्या होता है, e होता है, और log लग गया तो आंसर क्या हो जाएगा 1। रीजन दे दो आप लोग यहां पे, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to x minus 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू log a, एंड log of, पहले लिमिट लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x upon x की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों, 1, परफेक्ट। सो चलो आगे की वैल्यू लिख दो फटाफट, सो ये अगर आप चाहिए 3 को यहां भेज दो तो क्या मिल जाएगा, log of a raised to 3 माइनस, बोलो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी 3 को भेज दो पावर में, सो क्या हो जाएगा बच्चों, log of b raised to 2 होल डिवाइड बाय 4। सो फाइनली log of m माइनस log of n का फॉर्मूला क्या होता है, log of m डिवाइड बाय n मतलब a क्यूब डिवाइड बाय b स्क्वायर होल डिवाइड बाय 4, और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हो गया मेरा आंसर। सो ये क्वेश्चन होने के बाद चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या बात है, ये भी थोड़ा लेंदी लग रहा है भाई, बट है इजी, कैसे देखो मैं बताता हूं आपको, ये बहुत इजी है, सच्ची बता रहा हूं, 2 raise to x minus 1 का whole square, ये किसका फॉर्मूला है बोलो जल्दी, a raise to x minus 1 का, नीचे है 3 raise to x minus 1 into log of 1 plus x, so पर न्यूमरेटर में देखते हैं क्या फॉर्मूला है, so न्यूमरेटर में बच्चों आपका a raise to x minus 1, और आप सभी को पता है कि a raise to x minus 1 है तो डिवाइड बाय क्या होना चाहिए x, लेकिन ऊपर x स्क्वायर है तो डिवाइड बाय x स्क्वायर, अगर होल क्यूब होता तो डिवाइड बाय x क्यूब, समझे आप लोग, सो a raised to x minus 1 राइट स्क्वायर होने की वजह से डिवाइड बाय x करेंगे, तो बोलो क्या आएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0, बोलो उसके पहले एक्चुअली हमें लिखना चाहिए यहां पे डिवाइड न्यूमरेटर, क्योंकि देखो ऊपर तो हमें x स्क्वायर चाहिए, बोर्ड वर बोर्ड डिनोमिनेटर डॉक्टर दो लोग हैं, एक है 3 रेस्ट टू x माइनस 1 जिसके नीचे x चाहिए, और एक log of 1 plus x है उसके नीचे भी x चाहिए, तो एक x यहां पे एक x यहां पे, तो क्या हो गया इन शॉर्ट x स्क्वायर, सो बच्चों न्यूमरेटर में भी x स्क्वायर की जरूरत है और डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर की जरूरत है, सो हम क्या लिख देंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, अब ध्यान देना ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए दोनों को अलग अलग x चाहिए, सोचा अगर बीच में प्लस या माइनस होता तो एक ही एक्स का यूज करके स्प्लिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होने की वजह से अलग एक्स चाहिए, इसलिए हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर से, सो क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, हमने रीजन दे दिया कि जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो 0 नहीं है, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉपी किया बच्चों हमने यहाँ पे, अब ये हो जाएगा आपका 2 raised to x minus 1 का whole square divided by x square whole divided by 3 raised to x minus 1 into log of 1 plus x upon x square, चलो split कर दो हम लोग denominator और numerator दोनों को अच्छे से, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, l is equal to proper form में करना है हमें, तो क्या मुझे मिलेगा, ये मुझे हो जाएगा 2 raised to x minus 1 upon x, की दोनों square है एक साथ लिख दो, whole divided by 3 raise to x minus 1 upon x into log of 1 plus x whole divided by x, तो I think formula बन गया सब, तो ऊपर बन गया a raise to x minus 1 upon x का whole square, so यहाँ पे a कौन है 2, तो log 2 का whole square divided by log 3, और log of 1 plus x divided by x क्या होता है आपका 1, right, तो reason देना पड़ेगा कि limit x tends to 0 a raise to x minus 1 upon x की वैल्यू क्या हो जाएगी, log a, and similarly एक और फॉर्मूला बोलो क्या, limit x tends to 0 log of 1 plus x upon x की वैल्यू हो जाएगी 1, समझे सब लोग, ये दोनों फॉर्मूला देना पड़ेगा, so finally मुझे क्या आंसर मिल रहा है बच्चों, log of 2 का whole square divide by log of 3,
सो अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलो आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा मेरा फेवरेट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। देखो कैसे L is equal to limit x tends to 0। ये क्वेश्चन देखने से आप समझ जाओगे सर यही टाइप का क्वेश्चन है। देखो बच्चों यहाँ पे 15 दिया है, और 15 का फैक्टर क्या होता है 5, 3 जा 15, और साइड में 5x और 3x भी दिया है। कभी कभी 21 देकर के वो लोग 7 और 3 लिखते हैं, 7:x 3:x। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, आप फटाफट इसको समझने की कोशिश करना। सो गाइज आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ चुका है आप लोगों को, तो फटाफट इसको कैसे करेंगे ध्यान दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, 15 को लिख दो 3 × 5 होल रेस टू x माइनस 5:x माइनस 3:x प्लस 1 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका 3:x इंटू 5:x माइनस 5:x माइनस 3:x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। परफेक्ट, यस। सो अभी आप देखोगे जो जो कॉमन होता है वो कॉमन ले लो। सो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी बड़ावट, पहले वाले में 5:x गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 3:x माइनस 1, फिर माइनस 1 आएगा बराबर ना। देखो यहाँ पे सब लोग अच्छे से, इन दोनों में 5:x बाहर गया, क्या बचेगा 3:x माइनस 1, और इसमें से क्या कॉमन लोगे माइनस 1, तो क्या बचेगा प्लस 3:x माइनस 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर, वेरी नाइस। नाउ क्या हो जाएगा अभी हमारा यहाँ पे L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं कि 3:x माइनस 1, 3:x माइनस 1 दोनों जगह है, सब कर लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3:x माइनस 1 गया बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 5:x माइनस 1 एंड होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करो इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट मतलब एक एक्स दे दो 3:x माइनस 1 को और दूसरा दे दो 5:x माइनस 1 को, तो क्या हो जाएगा 3:x माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स इंटू 5:x माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स। ये क्या हो गया आपका दोनों जगह पे a:x माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स का फॉर्मूला। तो पहले जगह हो जाएगा log 3 into log 5। बच्चों log 3 into log 5 मतलब दो log का मल्टीप्लीकेशन हो, तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, इसको कुछ करना भी मत, समझ गया, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। रीजन दे दो, लिमिट x टेंड्स टू a राइट हैंड 0 x टेंड्स टू 0 a:x माइनस 1 डिवाइड बाय x की वैल्यू क्या होती है log a। परफेक्ट, यस। सो बच्चों हमने यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया फिनिश्ड। अब हम चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यस। सो ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझने की बात है क्योंकि कई बच्चे इसको नहीं कर पाते, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से मेरे दिमाग में एक बात तो आती है, क्या आती है बताता मैं आपको। ये आपका 3:x बाय 2 है, ठीक है, माइनस 3 होल डिवाइड बाय 3:x माइनस 9 है। सो अगर आप बहुत ध्यान से समझोगे, देखो मैं एक काम करने वाला हूं, जो न्यूमिनेटर है उसको मैं टच नहीं करूंगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है 3:x बाय 2 उसको मैं टच करूंगा। तो 3 को लिख सकता हूं रूट ऑफ 3 का पावर 1 पावर 2 द रूट 3 का स्क्वायर एंड होल रेस टू x। समझे सब लोग मैं क्या बोल रहा हूं, देखो सब लोग अच्छे से, राइट, थ्रू रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट के स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है वो कैंसिल हो जाता है। माइनस 9 को लिख देता हूं 3 का स्क्वायर। समझो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो, बहुत आसान लगेगा आपको। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी आप क्या करो इसको, एक मिनट, ये मैंने लिख दिया 3:x बाय 2 माइनस 3 एज इट इज होल डिवाइड बाय, ये जो आपका रूट 3 का स्क्वायर है ना बच्चों, आप क्या करो रूट 3 ऐसे ही लिखो और उसके बाद पावर को इंटरचेंज कर दो, मतलब x और फिर स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। परफेक्ट, यस। अब आप सबको पता है कि रूट 3 का मतलब क्या होता है 3:1 बाय 2, राइट। सो क्या हो जाएगा 3:x बाय 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, यहां पे 2 है, सॉरी मैं 0 लिख दे रहा हूं, 2 एंड 2। परफेक्ट, यस। सो क्या हो जाएगा यहां पे 3:1 बाय 2 होल पावर x एंड होल पावर 2 माइनस, बस सिंप्लीफिकेशन है, क्वेश्चन बहुत आसान है। सो लिमिट
एक्स टेंड्स टू टू, बोलो क्या मिलेगा आपका, थ्री रेस टू एक्स बाय टू माइनस थ्री होल डिवाइड बाय थ्री रेस टू एक्स बाय टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर। अगर मैं इस थ्री रेस टू एक्स बाय टू को ए बोलू और थ्री को बी बोलू तो ये फॉर्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या कर दिया, थ्री रेस टू एक्स बाय टू माइनस थ्री होल डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो थ्री रेस टू एक्स बाय टू प्लस थ्री एक ब्रैकेट में, थ्री रेस टू एक्स बाय टू माइनस थ्री दूसरे ब्रैकेट में, राइट। ए आगे मैंने डीएक्स की लिख दिया, सॉरी, ठीक है चलो। तो जो कैंसिलेशन होते हैं कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के बाद अब जो बचता है क्या बचता है बच्चों, x tends to 2, 1 upon 3 raised to x by 2 plus 3, right? अब फटाफट x की वैल्यू पुट कर दो 2, तो क्या आएगा आपका, लिमिट x tends to 2, 1 upon 3 raised to 2 by 2 plus 3। अब बोलोगे सर अगर आपने वैल्यू पुट किया तो लिमिट क्यों लिख रहे हो, भाई नहीं लिखना है लिमिट, समझे, yes। तो क्या हो जाएगा, 2 to cancel, आएगा 3 raised to 1, 3 प्लस 3 6, तो आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 6, परफेक्ट। तो अभी आपको मुझे लगता है समझ में आ गया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने 3 रेस टू x बाय 2 माइनस 3 देखा तो नीचे मैंने सोचा यार एक काम करते हैं 3 को रूट 3, क्योंकि x बाय 2 मतलब 1 बाय 2 है, 1 बाय 2 मतलब क्या था, स्क्वायर रूट, इसलिए रूट 3 का स्क्वायर और x कर दिया माइनस 3 का स्क्वायर, फिर उनको इंटरचेंज करके 3 रेस टू 1 बाय 2 करके x बाय 2 कर दिया और फटाफट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है आपका a माइनस बी ए प्लस बी। सो गाइज आज हमने लिमिट्स को कर दिया समाप्त खत्म। आई होप कि आपने पूरा का पूरा वीडियो एंजॉय किया होगा, पूरा पूरा लेक्चर एंजॉय किया होगा, टोटल 13 लेक्चर्स लिए, कोई बात नहीं छोटे छोटे लेक्चर लिए लेकिन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल लेक्चर लिए। सो अगर आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया, अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, एंड साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, थैंक यू सो मच।